पूर्णिया का ये अमित शाह की रैली होने वाली रैली और बहुत सारे लोग आए हुए हैं। चलते हैं, हम इनसे मालूम करते हैं कि ये क्यों आए हैं और लोगों से भी बातचीत करते हैं कि इस रैली में वो क्या क्या आप उम्मीद करते हैं। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार यादव। मिथिलेश कुमार यादव कहाँ से आए आप? जगेली से आए हैं, श्रीनगर जगेली से। श्रीनगर, तो क्या 2024 में सिर्फ भाजपा ही रहेगा क्या? भाजपा ही रहेगा, भाजपा को सिवा कोई ना आएगा, भाजपा ही रहेगा यहाँ। क्यों? इसलिए कि वो काम किया है। तो एक नाम बता सकते हैं? काम किया है, 370 धरा हटाया है, राम जी का मंदिर बनवाया है, तो उससे अच्छा काम कौन किया है? कभी 370 से आपकी गरीबी दूर हो गई है? खूब गरीबी दूर हो गई है। जैसे कमाने खाने के लिए रोजी रोटी सबको मिल रहा है। सब कमा के अपने खाता है। कौन सरकार कांग्रेस का भी था तो वो भी खाने के लिए नहीं देता था, तो भाजपा भी ये जो भी है अच्छा काम कर रहा है, अपना कमाने खाने के लिए रोजी रोटी सबको दे रहा है, कमा के खाइए। अच्छा ये बताइए कि इससे पहले भाजपा नहीं थी तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, आपको बहुत ज़्यादा रुपए में सिलेंडर खरीदना पड़ता था? नहीं, पहले का सरकार से भाजपा का सरकार में सुविधा अच्छा मिला है, अच्छा जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, खूब अच्छा जिंदगी जी रहे हैं, खुश हैं भाजपा से हम, मोदी जी से। अच्छा नीतीश जी कैसे हैं? नीतीश जी तो ऐसे भी पलट के इधर पलट के उधर। अच्छा ओबीसी मंडल कमीशन किसको लागू किया था? आपके बच्चे जो फायदा उठा रहे हैं? हाँ सबको, किसान को भी, मोदी जी ही किसान को भी पैसा दे रहा है। हम पूछ रहे हैं ओबीसी रिजर्वेशन मालूम है? ओबीसी रिजर्वेशन जी हाँ, इनको पता है कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है, लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन मालूम नहीं है। बेचारे यादव हैं और यादव समाज से हैं, ज़्यादातर इनके बच्चे अगर पढ़ रहे होंगे तो ज़रूर ये ओबीसी रिजर्वेशन का फ़ायदा आप लेंगे जो मंडल कमीशन ने लागू किया था। बेचारे को पता नहीं है, लेकिन हाँ भाजपा अच्छा काम कर रहा है। भाजपा अच्छा काम कर रहा है, भाजपा से हम लोग खुश हैं कि हम चाहते हैं कि भाजपा का प्रधानमंत्री हमेशा हमेशा के लिए इस भारत में रहे। अच्छा कांग्रेस में क्या बुरा है? कांग्रेस तो बहुत कुछ है, इतना दिन से 65 साल राज किया कांग्रेस का प्रधानमंत्री रहा, 370 धारा तो लगा हुआ है। बार बार 370 बोल रहे हैं। 370 तो बिहार में नहीं लागू है, आपके किशनगंज में तो नहीं लागू है ना? भारत में ही लागू। पूर्णिया किशनगंज में क्या फायदा होगा 370 से? भारत में ही था ना, भारत के लिए ही हुआ, हटाया गया। बहुत अच्छा लग रहा है जो आए हुए हैं, हम जो है ना उसको बहुत ही सपोर्ट करते हैं। अच्छा मोदी जी को सपोर्ट करते हैं? हाँ बहुत ही ज़्यादा। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो है हमारे देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं, बहुत ही उसके कारण हमारे देश में जो है कोरोना काल में बहुत ही ज़्यादा ये हुआ, मतलब सहायता मिला हम लोग को, इसलिए हम लोग उसको हमेशा से चाहते हैं। अच्छा हाँ, इसलिए आए हुए यहाँ पे। कोरोना काल में आपको सहायता मिला इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, कितने तक पढ़े हुए? हम अभी 12 का तैयारी कर रहे हैं। 12 तक पढ़े साइंस। आपका नाम? मेरा नाम गणेश कुमार हूँ। जाति? जाति है, हिंदू है। अत्यंत पिछड़ा महलदार। अभी बहुत सारी बात हो रही है अत्यंत पिछड़ों के बारे में। हाँ। तो अत्यंत पिछड़े यहाँ लगभग 31% हैं। हाँ। है ना? हाँ। ऐसा कोई काम है, ऐसा कोई योजना यहाँ के अब तक भाजपा या NDA या जो भी सरकार हो, चाहे UP हो NDA, कोई भी लोग इस भूभाग के लिए अत्यंत पिछड़ों वाले के कोई ऐसी स्कीम लाया है जिससे यहाँ के लोगों की भला हो सके? देखिए हम लोग के लिए जो किए हैं सरकार, यानी कि हम लोग को जो विद्या स्टूडेंट हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा छूट किए हुए हैं। जैसे कि जवान ये जो आर्मी का नौकरी हुआ उसमें जो 4 साल की किए, 5 सालों से आर्मी की बहाली ही नहीं हो रही है, ना वैकेंट निकाला जा रहा। होगी मतलब जो वो किए हैं 4 साल वाली, तो उसमें जो ना आगे वाले 5 साल वाले तो ले ही नहीं रहे हैं, अब लाए हैं तो अग्निवीर लाए हैं। अग्निवीर से आप खुश हैं? हाँ खुश हैं, हम बिल्कुल खुश हैं। कहे कि जो दूसरा जो तैयारी कर रहे हैं 2-3 साल से, उसको भी मिलना चाहिए टाइम कि वो भी टाइम मिलना चाहिए कि वो भी जाए, जो कि 3 साल से मेहनत कर रहे हैं बट जा नहीं पा रहे हैं। 4 साल को जो होगा तो वो 4 साल के 25% जो 25% वो आर्मी है। बात को ये हो भी तो सकता है कि 25% को सिर्फ उन्हीं को रखेंगे जो सत्ता में है वैदिक काल से? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। अब तक सुप्रीम कोर्ट में कई ठो जज अति पिछड़ा बना है।
देखिए इसके बारे में तुमको उतना पता नहीं है बट मैं बता रहा हूँ आपको पता नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का एक भी जज पिछड़ा जाति का नहीं बनाया गया। जो हम लोग जो है हम लोग में जो है उतना मतलब पढ़ाई करता है बट पिछड़ी जाति में अकल नकल नहीं है क्या? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, अकल नहीं मतलब वो ज्यादातर ना काम पे ध्यान दे देते हैं, काम पे फोकस कर देते हैं, पढ़ाई करते हैं बट पढ़ाई छोड़ के वो ज्यादातर काम पे फोकस कर देते हैं, इसलिए जो है कि आगे इतना नहीं ये करते हैं। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा अभी किसान है, किसान है हाँ, पढ़े लिखे। कितनी ज्यादा भूमि होगी आपके पास? बट ज्यादा तो नहीं है, वही 2-3 बीघा के आसपास होगा। 2-3 बीघा हाँ।